जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, आप सभी को मालूम है 2 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत में अतिथि शिक्षकों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। हालांकि उन घोषणाओं की बात यहां पर हम करें तो केवल वेतन वृद्धि का आदेश ही अतिथि शिक्षकों के लिए अभी तक हमें देखने को मिला है। उसके अतिरिक्त महापंचायत में जो भी घोषणाएं की गई थी उनमें से किसी भी तरीके के आदेश अभी अतिथि शिक्षकों के लिए जारी नहीं हुए हैं। अब इसी को लेकर अतिथि शिक्षकों के प्रश्न भी आते हैं और अतिथि शिक्षक साथ ही चिंतित भी हैं, क्योंकि बहुत जल्द चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद में समस्त मध्य प्रदेश में आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी, फिर किसी भी प्रकार के आदेश जारी होने की जो संभावना है वह बहुत कम हो जाएगी, यानी कि शून्य के बराबर हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण जो आदेश है, जैसा कि महापंचायत में घोषणा की गई थी, अतिथि शिक्षकों के 1 साल के अनुबंध को लेकर, और जो अनुबंध को लेकर कोई भी नियम कोई भी आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। अतिथि शिक्षक चाहते हैं कि समय रहते उनका अनुबंध आदेश जारी हो। हालांकि बीच में ऐसे अपडेट प्राप्त हुई थी कि जल्द ही अतिथि शिक्षकों का जो अनुबंध वाला आदेश है वह देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ समस्त अतिथि शिक्षक साथियों से कहना चाहेंगे, हमारे पास भी उनके लगातार प्रश्न आते हैं कि क्या अनुबंध आदेश जारी होगा या नहीं होगा। तो हम यहाँ अतिथि शिक्षक साथियों से कहना चाहेंगे कि आप आज और कल वेट जरूर कर लें, जैसे जब तक आचार संहिता प्रभावी नहीं होती है उसके पहले तक, तो निश्चित तौर पर आपको आपका जो अनुबंध आदेश है वो देखने को मिल सकता है। हाल ही में एक माननीय शिक्षा मंत्री जी का ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो ये कहते हुए आश्वस्त करते हुए दिख रहे हैं कि बहुत जल्द अतिथि शिक्षक साथियों के जो आदेश हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर मंच से कहा है कि आपके सभी प्रकार के आदेश जारी किए जा चुके हैं, तो इसके आशय यही निकाले जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संज्ञान में ये चीज ली होगी तो अधिकारियों ने उनसे कहा होगा कि निश्चित तौर पर उनके जो आदेश हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर वो जारी कर दिए हैं, तो प्रक्रिया चूंकि रनिंग में होगी, बहुत जल्द आपको अपने जो आदेश हैं वो देखने को मिल सकते हैं। आज अंतिम कैबिनेट संभवतः आज होगी और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी समस्त विभागों के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने जो घोषणा की गई है उनसे संबंधित जानकारी वो जरूर लेंगे। तो अतिथि शिक्षकों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के लिए जो घोषणा की गई थी उनकी जानकारी भी वो चाहेंगे। तो ऐसे स्थिति में बहुत अधिक संभावना है कि आज और कल में आपके जो लंबित आदेश हैं वो आपको देखने को मिल जाए, पूरी संभावना है और हम केवल संभावना ही यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों का जो अनुबंध वाला आदेश हो वो जारी किया जाए, ताकि ये जो अनिश्चितता अतिथि शिक्षक साथियों में अपनी सेवाओं को लेकर है वो दूर हो। निश्चित तौर पर जो अनुबंध वाला आदेश है वो बहुत जल्द समय रहते जारी हो जाना चाहिए। वो पूरी संभावना है कि आज या कल में ये आदेश आपको देखने को मिल जाएगा, जो विभाग ये अपडेट हमें प्राप्त हुए हैं। और यदि आचार संहिता प्रभावी हो जाती है तब भी अतिथि शिक्षक साथियों को चिंतित होने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो अनुबंध वाला आदेश है उस पर आचार संहिता का प्रभाव पड़ने वाला है, तो उसके बाद भी आपको ये आदेश देखने को मिल सकता है। लेकिन 99% तक संभावना यही है कि आज या कल में आपको ये आदेश देखने को मिल जाएगा। साथियों, लगातार अतिथि शिक्षक साथियों के हमारे पास इस चीज को लेकर प्रश्न आ रहे थे, तो वीडियो के माध्यम से जो भी अपडेट हमारे पास है या जो भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।